मिडिल ईस्ट में जारी घमासान को बढ़ाने में ईरान समर्थित प्रॉक्सी गुटों का बड़ा हाथ रहा है, चाहे वो लेबनान का हिजबुल्ला हो या यमन के हूती लड़ाके या फिर इराक का इस्लामिक प्रतिरोध या खुद ईरान। गाजा युद्ध से शुरू हुए खून खराबे का दायरा अब चढ़ चुका है। इसकी आग से अब पूरा मिडिल ईस्ट धधक रहा है। यमन के हूती विद्रोही लाल सागर के लिए एक बड़ा खतरा बने हुए हैं। हालात लगातार विकराल रूप लिए हुए हैं। एक बार फिर यमन के हूती विद्रोहियों ने इसराइल के खिलाफ हुकार भरी है। प्रतिरोध के नेता ने सभी मुस्लिम देशों को एकजुट होकर इसराइल के खिलाफ जिहाद में शामिल होने का आह्वान किया है। हौती ने जोर देते हुए कहा कि अमेरिका और इसराइल की मिलीभगत और साजिशों के सामने उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा है। सभी इस्लामिक देशों को एक होकर पश्चिमी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब देने का सही वक्त आ गया है। अब्दुल मलिक अल हौती ने इस्लामिक देशों को एकजुट करने की अपनी कोशिश के दौरान कहा, अगर अरब और मुसलमानों ने जिहाद के लिए कुरान और आस्था के पहलू को अपनाया होता तो वो फिलिस्तीन और पूरे इलाके को इसराइल के खिलाफ सुरक्षित रख सकते थे। लोगों को डर से आजाद करने और चुनौतियों का सामना करने के लिए मुस्लिम देशों की कार्रवाई आवश्यक है। इस दौरान हूती नेता ने साफ किया कि यमन गाजा में प्रतिरोध का समर्थन करने में अपनी स्थिति से पीछे नहीं हटेगा। हूती इजरायली नौवहन या बंदरगाहों की ओर जाने वाले जहाजों को रोकने के लिए समुद्र में अपने अभियान जारी रखेगा। इसके अलावा हूती नेता ने अरब और मुस्लिम नेताओं पर अपना गुस्सा भी जाहिर किया। अल हौती ने गाजा के समर्थन में खोखली अपीलों के साथ खोखले शिखर सम्मेलनों और बयानों को बेकार और दिखावटी बताया। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन और तेल अवीव पूरे इलाके को अपने कब्जे में करने पर तुले हैं। मुस्लिम देशों को गाजा और लेबनान और अन्य जगहों पर प्रतिरोध का समर्थन करना चाहिए। फिलिस्तीन, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र में पिछले दशकों में इजरायल ने बड़े अपराध किए हैं, जिन्हें अमेरिका से बखूबी समर्थन मिलता रहा है। इसके लिए अमेरिका की मिलीभगत के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। साथ ही ब्रिटेन और फ्रांस ने भी फिलिस्तीन पर इजरायलियों को बसने में मदद की है। यमनी नेता ने आगे बताया कि गाजा में लड़ाके मजबूत हैं, इजरायली दुश्मन पर दर्दनाक प्रहार करना जारी रखे हुए हैं। हिजबुल्ला आए दिन कीर्तिमान रचते हुए इजरायल पर दबाव बनाए हुए हैं। लेबनान के खिलाफ हमला कर इजरायल ने बड़ी भूल की है, जिसका खामियाजा उसने अपने सैनिकों को गवा कर भुगतना पड़ा। मुस्लिम देशों को फिलिस्तीन, लेबनान, इराक और यमन में लड़ाकों का समर्थन करके सही रास्ता अपनाना चाहिए। बर्बर और आपराधिक इसराइल के समर्थन स्वतंत्रता, मानवाधिकारों और सभ्यता के बारे में जो कहते हैं वो भ्रामक और भ्रामक टिप्पणियों के अलावा कुछ नहीं है। हूती नेता ने अमेरिकियों, ब्रिटिश और फ्रांसीसी और जर्मनों के खूनी इतिहास की ओर इशारा करते हुए कहा कि उनके आपराधिक रिकॉर्ड में बेहद क्रूर तरीकों से लाखों लोगों की हत्या शामिल है। गाजा में युद्ध विराम प्रस्ताव के खिलाफ सुरक्षा परिषद में अमेरिका का वीटो अरबों और मुसलमानों को लेकर अमेरिका के आक्रामक और आपराधिक नजरिए को दिखाता है। इसके अलावा हूती नेता ने यमन के सभी लोगों से सड़कों पर उतरने और फिलिस्तीन और लेबनान के साथ एकजुटता दिखाने के लिए विशाल रैलियों में भाग लेने का भी आह्वान किया।